नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। जहां एक तरफ पूरा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आपको बता दें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने झंडा तोलन किया। वहीं आपको दूसरे तरफ आज हमने दिन भर खबरों के माध्यम से भी दिखाया है कि किस तरह से राजधानी पटना में जो राजनीतिक पार्टी कार्यालय है, वहाँ पर भी हर एक दल के नेता जो थे वो अपने पार्टी कार्यालय में झंडा तोलन उन्होंने किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर उन्होंने झंडोत्तोलन किया। साथ ही साथ राजद के प्रदेश कार्यालय में भी आज झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बीच जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो छपरा जिले से निकल कर आ रही है, जहां पर आज एक तरफ पूरा देश में स्वतंत्रता दिवस लोग जो है वो हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ जो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो सरयू नदी के बीचों जो है वो झंडा तोलन कर रहे हैं। 12 फीट का ये जो लंबा तिरंगा है वो नदी के बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें कि पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, लेकिन छपरा में यह दिन काफ़ी खास रहा। यहाँ सरयू की लहरों के बीच 12 मीटर का तिरंगा लहराया गया। आज पूरे देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और लोग जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहरा के तिरंगे की आन बान शान की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। छपरा में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सरयू की लहरों के बीच युवाओं ने 12 मीटर का तिरंगा लहराया। सैंड आर्टिस्ट शोक के नेतृत्व में युवाओं की एक टीम 12 मीटर का तिरंगा लेकर सरयू के बीच में पहुंची, जहां तिरंगे को फहराया गया और सलामी भी दी गई। तो आपने साफ तौर पे ये छपरा जिले की तस्वीर देखी है, जहां सरयू नदी के बीचों बीच जो काफ़ी संख्या में युवा हैं वो आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 12 मीटर लंबा जो तिरंगा है वो नदी के बीचों बीच फहरा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के कई जिले जो हैं वो बाढ़ से ग्रसित है। आपको पहले भी हमने खबरों के माध्यम से दिखाया है कि किस तरह से जो गंगा है वो काफी ज्यादा रौद्र रूप ले चुका है, और इसके कारण जो बिहार के कई जिले हैं उसमें बाढ़ भी आ चुकी है। कई जो लोग हैं उन्हें अपना घर भी छोड़ के दूसरे जगह रहना पड़ रहा है। इसी बीच जब आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो ये जो खबर है वो छपरा से निकल कर आई, जहां युवा जो है काफी जोश में है और सरयू नदी के बीचों बीच जो है वो झंडा फहरा रहे हैं और लोगों से यह आवाहन भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो गंगा नदी है उसको हम स्वच्छ रख सकें। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो नदी है उसमें जो काफ़ी संख्या में युवा हैं, कुछ युवा जो हैं वो नाव पे भी सवार हैं और जय हिंद का जो बोर्ड है वो लेके खड़े हैं। वहीं दूसरे तरफ गंगा नदी के बीचों बीच काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो पानी के अंदर हैं, उनका जो पानी है वो उनके गले तक पहुँच रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो युवा हैं उनमें कितना ज़्यादा जोश है। बहरहाल बने हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।